चलो प्यारे बच्चों, ये एक कॉन्सेप्ट ऑफ हीट जो होता है वो काफ़ी लोगों को दिक्कत करता है, परेशान करता है, और इसमें एक मिसकंसेप्शन है। इसको हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये क्या चीज़ होती है हीट के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। देखो, इसमें अगर किसी से पूछोगे तो 99.9% लोग इसको गलत बताते हैं कि हीट क्या चीज़ होती है। अब देखो, एक हॉट बॉडी है आइस है, एक हॉट बॉडी है ए, और एक कोल्ड बॉडी है बी। एक हॉट बॉडी है, ये कोल्ड है और ये हॉट है। ये तो भाई हमको टच करके पता ही चल जाता है कौन सा हॉट है कौन सा कोल्ड है। अब जनरली क्या बोला जाता है जनरल डेली लाइफ में, कि अगर कोई आइस है ठंडा है तो आइस ठंडा है क्योंकि इसके पास हीट कम है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। जैसे मान लो अगर मेरे पास एक आइस का पीस है, ये देखो एक आइस है, ये आइस का पीस है, और ये आइस का पीस ऑब्वियसली देखो मेल्ट हो रहा है। अब मेल्ट क्यों हो रहा है एक लंबी कहानी है। अब अभी हम समझेंगे हीट के कॉन्सेप्ट को। ये जो आइस है, जनरली लोग बोलते हैं जैसे आइस है क्योंकि ये ठंडा है क्योंकि इसके पास हीट कम है। तो ये स्टेप, ये जो कॉन्सेप्ट है वो गलत है। हीट वो एनर्जी नहीं है जो इसके पास है, समझ रहे हो। हीट वह एनर्जी है जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। अगर बॉडी हॉट है और बॉडी कोल्ड है, इन बॉडी हॉट और कोल्ड को आपस में टच करा दूं या कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दूं, आपस में टच करा दो तो बॉडी ए से बॉडी बी तक एक एनर्जी फ्लो होगी, और जो एनर्जी फ्लो होगी वही एनर्जी हीट है। जब मान लो कुछ दो जूल मतलब कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो ए से बी तक गई, लेकिन जैसे ही जब वो एनर्जी बी के पास चली गई, कोल्ड बॉडी के पास चली गई, तो हीट का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाता है। वो बी की खुद की अपनी एनर्जी होती है। कोई बॉडी हॉट और कोल्ड क्यों है, ये हॉट क्यों है, क्योंकि इसके पास अपनी खुद की इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है, हीट एनर्जी नहीं है। ये बॉडी कोल्ड क्यों है, क्योंकि इसके पास खुद अपनी एनर्जी कम है, ठीक है। ये हॉट है, इसकी इंटरनल सभी मॉलिक्यूल्स का वाइब्रेशनल काइनेटिक रोटेशनल जो भी एनर्जी है, सभी टाइप की एनर्जी अगर जोड़ लोगे तो उसकी खुद की जो इंटरनल एनर्जी बनती है वो हाई है। दैट्स वाई ये बॉडी हॉट है और ये बॉडी कोल्ड है। तो ए और बी को अगर मैं टच कराता हूँ, एक हॉट बॉडी और एक कोल्ड बॉडी को टच कराता हूँ, तो ए से बी तक विदाउट डूइंग एनी मैकेनिकल वर्क, बिना किसी मैकेनिकल वर्क के, बिना किसी जोर जबरदस्ती के, बिना किसी दबाव के, ए से बी तक जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो है एनर्जी हीट है, ठीक है। जब तक वह ट्रांसफ़र हो रही है तब तक हीट का कॉन्सेप्ट लगेगा। जैसे ही वह ट्रांसफ़र हो चुकी, वो किसी और की हो गई, मतलब वो बी की हो गई और बी की वो उसकी इंटरनल एनर्जी बन गई। अब जब ए के पास थी तो ए की इंटरनल एनर्जी थी। यहाँ डिफिनेशन लिखा हूँ, समझ लेना। द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी इज प्लेस इन कॉन्टैक्ट विदाउट डूइंग एनी मैकेनिकल वर्क इज कॉल्ड हीट। अब ये है हीट ऑफ ए बॉडी। जनरली देसी भाषा में हम लैंग्वेज में बोलते हैं कि बॉडी बहुत गर्म, हीट ऑफ ए बॉडी, या आज बहुत गर्मी है क्योंकि आज हीट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्या है, गलत है। आज गर्मी है क्योंकि आज टेम्परेचर ज़्यादा है, आज ठंडा है क्योंकि आज टेम्परेचर कम है, ये स्टेटमेंट सही है। तो ये देखो, यहाँ से टेम्परेचर क्या होता है, अब देखो जो हॉटनेस है, अब देखो समझने की कोशिश करना, टेम्परेचर क्या है। जैसे कोई बॉडी हॉट है और कोई बॉडी कोल्ड है, तो मुझे ये बताना है आखिर ये बॉडी हॉट है, तो ये मुझे बताना, एक मैथमेटिकल एक नंबर मुझे बताना है कि एक नंबर डिसाइड करना है कि किसी बॉडी की हॉटनेस और कोल्डनेस बता सके। नहीं समझ में आया, जैसे मान लो कोई अमीर इंसान है या कोई गरीब इंसान है, और कोई अमीर इंसान है जैसे बोलता है कि मेरे पास पैसे बहुत हैं। अब भाई लोग उससे पूछेंगे ना, तुम कितने पैसे रखे हो, कितने बिलियन डॉलर रखे हो या कितने पैसे रखे हो जिसे बोलते हैं तुम बहुत अमीर हो। तो उसको एक नंबर में बताना पड़ेगा कि ये 10 बिलियन या मिलियन इतने डॉलर है मेरे पास, या इतने करोड़ रुपए हैं तो मैं अमीर हूँ।
तो उसी तरह से अगर कोई बॉडी हॉट है कोल्ड है तो एक नंबर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो ये बात बता सके तुम कितने हॉट हो और कितने कोल्ड हो। तो उस हॉटनेस और कोल्डनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए एक फिजिकल क्वांटिटी बनाई गई जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिसका नाम है टेम्परेचर। और ये कोई एनर्जी नहीं है यार, ये एक हॉटनेस और कोल्डनेस की डिग्री है, एक फंडामेंटल एसआई यूनिट है जिसको जिसका केल्विन है। तो ये हॉटनेस और कोल्डनेस बता सकेगा। और ये अब ऑब्वियसली देखो, अगर ये बॉडी ज़्यादा हॉट है तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इसकी खुद की इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होगी। तो अगर किसी की इंटरनल एनर्जी ज़्यादा है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, सिंपल सी बात है। तो इसमें हमने क्या समझा, टेम्परेचर का बेसिक कॉन्सेप्ट, हीट का बेसिक कॉन्सेप्ट, विदाउट डूइंग मैकेनिकल वर्क एनर्जी ट्रांसफ़र होती है उसको हीट बोलते हैं।